चढ़वाल में यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा कांग्रेस। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कठुआ के बाद हीरानगर उपमंडल के चढ़वाल में रुकने के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसके लिए चढ़वाल में पुलिस चौकी के पीछे 30 कनाल भूमि को जेसीबी लगाकर समतल किया जा रहा है। वहीं लंगर की जिम्मेदारी पीसीसी सदस्य व जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन लाल, ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा, रमन थप्पा और प्रवीण कुमार को सौंपी गई है। इसकी जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि 20 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा कठुआ से चढ़वाल में पहुंचेगी, जिसका स्थानीय लोग चढ़वाल में स्वागत करेंगे। 21 जनवरी को विश्राम का दिन होगा। इस दौरान हीरानगर के 4 शिष्टमंडल राहुल गांधी से मिलेंगे, जिसमें एक वार्डर वेलफेयर कमेटी, किसानों, वकीलों और रिफ्यूजियों के होंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के अलावा स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहले ही कई दिनों से विभिन्न गांवों में बैठकें कर लोगों को यात्रा में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं। वहीं गणतंत्र दिवस को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले से ही सुरक्षा की कड़ा कर रखा है। तारबंदी के ऊपर तैनात बीएसएफ के जवान दिन रात सीमा पार की गतिविधियों पर बराबर नजर रखे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर चौकियों को भी पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।